Hey guys, welcome back to my channel. This is Afrin Sheikh and I'm back with a new vlog. So new year के time new vlog मेरा first है because मेरे भाई का 1st January 2021 को birthday है and अभी 31st की night है, 11:20 हो रहा है, something ऐसी कुछ हो रहा है अभी. 1st Jan 12 AM को हम लोग celebrate करने वाले. एक cake हम लोग अभी काटेंगे. 1st Jan की evening में 7 PM के बाद हम लोग जो है second cake कट करेंगे जो सबके साथ होगा. अभी कुछ कुछ लोग नीचे सोसाइटी में उतरेंगे तो हम लोग एक केक अभी कट करने वाले, तभी बस उतरेंगे हम लोग. तो आप लोग देखते जाइएगा, मैं आप लोगों को सेलिब्रेशन का जो भी डेकोरेशन होगा जो भी होगा मैं आप लोगों को बताती रहूँगी. पीछे बैठे हैं साइमा एंड आसमा, तो अभी मैं फ़िलहाल तो कैमरा टर्न नहीं कर सकती. और बेचारे क्या कर रही है साइमा. तो साइमा मेरी नेबर है और ज़्यादातर मेरी बेस्ट फ्रेंड भी है, और आसमा तो आप लोगों को पता है मेरी कज़न सिस्टर है. तो इसके बावजूद भी आप लोग पूछ रहे हो कि वो आपकी क्या लगती है. तो अरे बाप रे, इतनी क्या हंसी आ गई. आप लोगों ने सुना आवाज़, ये साइमा की हंसी है. और आसमा वाली कैसी थी, हंस हाँ निकली है. आप लोग मतलब नोटिस कर लेना. तो ठीक है, अभी हम लोग ना ये देखो ये स्पीकर हम लोग लेकर उतरेंगे. अब मैंने बोला कि बजाने जैसा रहा तो ही बजाना, अदरवाइज नहीं. इसके साथ हम लोग ने माइक भी रखा है, कैराओके माइक. तो देखते हैं, अब बोलने जैसा रहा तो बोलेंगे, बजाने जैसा रहा तो बजाएंगे, अदरवाइज कुछ नहीं. नॉर्मली सब एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर कर देंगे. तो फिर आप लोग मैं मिलती हूँ बाद में, बहुत ज़्यादा बात हो गई, बाय. ओके गाइस, सो अभी जस्ट सुल्ताना भी आई. सुल्ताना भी मेरी मतलब कजिन सिस्टर ही समझ लो आप लोग. सुल्ताना, साइमा और मैं, आसमा सब साथ में है. अभी जाने वाले हम लोग नीचे, स्पीकर लेके उतरने वाले. ओके गाइस, सो हम लोग नीचे उतर चुके हैं. अभी सारे एक साथ अभी इकट्ठे हो रहे हैं, आसमा भी है और बाकी अभी बहुत सारे लोग मतलब कैमरे में नहीं भी आ सकते, आई डोंट नो. जो भी आएगा मैं आप लोगों को दिखा दूंगी. अभी हम लोग सब वेट कर रहे हैं नीचे, वर्क इन प्रोग्रेस है यहाँ पे सोसाइटी में. अभी देखो बहुत माशाल्लाह अच्छा बन चुका है. अभी ना कुछ कुछ लड़कियाँ ना इसमें शर्माती भी नज़र आएगी, मतलब कुछ कुछ है, एक दो ही. अभी आप लोग पता नहीं लाइटिंग वगैरह दिखे नहीं, लेकिन ऐसा तो दिखना चाहिए ना कि मतलब हाँ नाइट का ही शूट हो रहा है. कुछ बॉयज वहाँ बैठे हैं वो साइड पे, वहाँ पर गेट बना है अभी. जैसे गरीब का मतलब ना साइमा साइड में, क्योंकि मेरा दिल को बड़ा दुख होगा, ऐसे मत लेके घूमो. तो अभी बस मुझे तो इतनी एक्साइटमेंट हो रही है, मेरे हाथ पैर ठंडे हो गए. मतलब कि 2020 जा रहा है, मतलब एक ऐसा सोच रहे हम लोग है ना, कोरोना जा रहा है ना 12 बजे. मतलब तुम लोगों को कितनी एक्साइटमेंट है बताओ जरा. बहुत ज़्यादा, नया साल आएगा, नई कुछ होगा लाइफ में. इंशाल्लाह इंशाल्लाह सबकी लाइफ में बहुत अच्छा न्यू कुछ लोग वापस भी आ गए. 2020 ने ना बहुत कुछ सिखा कर गया, बहुत कुछ. क्या बोलते हो, सच्ची में बहुत कुछ सिखा के गया है. बहुत काला इधर आ, दिख गया दिख गया दिख गया. 2020 ने क्या क्या सिखाया, बहुत कुछ. और किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए, किसी पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए. और इंशाल्लाह आने वाला साल सबके लिए बेहतरीन हो इंशाल्लाह. अल्लाह ताला सबको तरक्की दे इंशाल्लाह. आमीन सुम्मा आमीन. तो अभी मिलती हूँ मैं आप लोगों को थोड़ी देर में. मेरे पेपर भी चालू है. क्या बोला साहिब, मेरा पेपर चालू है, दुआ करो. कल ही है ना सुबह. आज भी था. भाई मार खाएंगे भाई, डीजे वीजे बजा रहे लोग. चलो घर पे चलो भाई, अब क्या वहाँ से हम लोग जा रहे हैं, वहाँ से नहीं जा सकते, यहाँ से चलना पड़ेगा. वो भी यहाँ से भी इधर से जाना पड़ेगा. तो हम लोग वहाँ से आ चुके, बहुत अंधेरा आ रहा है मेरे वीडियो में, आई नो, बट क्या करूँ, शेयर तो करना पड़ेगा. इसका पहला दिन कैसा गुजरेगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना. आप सबका क्या क्या दिन गुजरा वो भी बता देना. तो अभी हम लोग वहाँ से ना यहाँ पर आ चुके, यहाँ पर बजाने बोल रहे हैं लोग दूसरे विंग में. देखते हैं अभी कोई कुछ बोल ना दे, मतलब वरना मूड ख़राब हो जाएगा सबका. मैं तो पहले ही बोल दी लोगों को, बजाने जैसा है तो बजा, अदरवाइज नहीं गई. ये वहाँ थोड़ी, यहाँ पर ना C2 ये है शायद. अच्छा वो लास्ट वाला है क्या, यहाँ पर बजाते हैं. ये पे, ये पे, ये पे, ये पे. इससे अच्छा मूविंग की पार्किंग में चलते हैं. हम लोग वही जगह पर जा रहे हैं.
इधर लगता है इसको ही बात सुनाने वाले हैं हम लोग। नहीं इंशाल्लाह सब कुछ ना हो, बड़ा डर डर के हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो सफवान 2020 ने आपको क्या क्या सिखाया? कुछ भी नहीं सिखाया। हेलो, हम सब ने तो बहुत कुछ सीखा। किसी पे भरोसा नहीं करने का। दिलीप आपने क्या क्या सीखा 2020 में? हाँ और कुछ बोलना चाह रहे थे कि क्या क्या सीखा? फालतू इंसानों मैं हंसती रहूंगी, तुम बोलो ना वहाँ पर। एक्चुअली मैंने देख के भूल गया क्या बोलूं। तुम बोल रहे थे कि फालतू इंसानों को बाय बाय करना सीखा। हाँ अभी कोविड है, बहुत कुछ है, ये तो मेरे सीधे आगे सामने देखा ही क्या किया। अल्लाह मेरे कैरेटिन हेयर पर देखो क्या हो गया। कोई बात नहीं, दिलीप ने मुझे बहुत ओके मुझे जो नीचे खान हुए ना वो थोड़ा वो लगा। चलो ठीक है, खैर अभी तो हो गया, बाकी मैं आप लोगों को कल का सब बताऊंगी।
अभी मैं आप लोगों से डायरेक्टली कल मिलूंगी, तो आत्मा इधर आ जाओ। यहाँ पर फोटो शूट हो रहा है, यहाँ पर फोटो शूट हो रहा है पीछे वो साइड। आ जल्दी जल्दी थैंक यू एंड सेम टू यू सपोर्ट टू हिम। I want to golden and ultra button. Golden play button. Diamond play button. Inshallah. Inshallah. Selfie ना। Guys हम लोग ना भाग कर आ गए। मेरे से और नहीं हो रहा था कि मैं और खड़े रह पाऊँ, because मुझे migraine का problem है। तो अब इससे ज़्यादा मैं नहीं रुक सकती थी, इसलिए हम लोग आ गए भाग भाग के, क्योंकि बहुत शोर जैसा लग रहा था। तो फिर अभी हम लोग जा रहे घर। एंड कल का मैं आप लोगों को बताऊंगी। आज ही मैंने हेयर वॉश की थी और आज ही हो गया। और दिलीप ने तो मेरे ना कैप से पोछा हुआ और इसके दुपट्टे से पोछा हुआ है पूरा मुंह। मैं बताती हूँ दिलीप को बहुत। कल डेकोरेशन वगैरह होगा दोपहर नमाज के बाद। ये फ्राइडे को मेरे भाई का बर्थडे है, मतलब 1 जनवरी फ्राइडे। तो एक इशारे पे बंद हो गया। ओके मैं घर में पहले एंटर हो जाऊँ। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया उससे ज़्यादा नहीं हो पाता था मुझसे, इसलिए मैं आ गई चुपचाप, वरना मैं चक्कर आके गिर जाती थी। सर भी बहुत दुख रहा है। ये देखो ये आसमान की हालत है। बाकी तो अच्छा है कि फेस पे किसी ने भी नहीं लगाया, क्योंकि मैं वैसे भी मेरे तो फेस पे ही पहले वार हुआ। चलो कोई नहीं। तो गाइज मैं आप लोगों को अब डेकोरेशन के टाइम मिलती हूँ डायरेक्टली, क्योंकि अभी इतना लंबा व्लॉग तो मैं नहीं कर पाऊंगी। हमेशा मुझसे लंबा ही बन जाता है और मतलब बातें ज्यादा हो जाती हैं। तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से कल। बाय एंड हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। सो गाइज अभी हम लोग ने डेकोरेशन स्टार्ट कर दी है। सोहेल को हम लोग ने नीचे भेज दिया है और हम लोग कुछ 5 girls है अभी फिलहाल के लिए। इसके बाद धीरे धीरे सुल्ताना जो मेरी मतलब कज़िन लगती है समझ लो, तो वो आने वाली है थोड़ी देर में। तो उसके बाद आगे का देखते हैं क्या होगा क्या नहीं। तो अभी तो फिलहाल डेकोरेशन ही हो रही है, तो मैं आप लोग से थोड़ी देर में फिर मिलती हूँ। जो जो भी हो रहा है मैं आप लोगों को दिखाती रहती हूँ थोड़ी देर में। ओके गाइस। तो सारा डेकोरेशन हो चुका है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ये पूरा मतलब लोगों ने जो रूम है कवर कर लिया। अभी सारे लोग जितने हम लोग 5 girls थे, अभी आसमा और मैं तो एक ही घर में, बाकी वो लोग 3 जो है गए अपने अपने घर खाना वाना खाने के लिए। मैं अभी चटनी बना रही हूँ, ग्रीन चटनी और खिचड़ी के खाने में मेरा बहुत सर मतलब। अभी जा रही हूँ खाना खाने के लिए और मैं आप लोगों को अभी यहाँ पर दिखाती हूँ। इस तरह से हो चुका है सीन। तो ये अच्छे से हम लोग ने डेकोरेट कर दिया है सबने मिलकर। ज़्यादा तो इसमें आसिया सुमेरा नहीं वो काफ़ी बहुत आवाज़ बहुत उसमें बहुत है, बेस वगैरह भी बहुत है। कैसा लग रहा है मुबीन? बहुत प्यारा यार, दिस इज़ सो ऑसम, यू नो लाइक सीरियसली व्लॉग है। हाँ ओह माय गॉड शूट। चलो हो गया।
ब्लैक है नहीं रुक नहीं 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 सो गाइज यहाँ पर खाना भी आ चुका है। हम लोग ने सीख बिरयानी ऐसे कुछ मंगाया हुआ है, तो बच्चों को हमने सबसे पहले खिला दिया। अभी यहाँ पर सारे जो बड़े हैं वो बैठे हुए हैं। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा टेस्टी है। अभी वही सब बॉयज़ लोग खा रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों ने बच्चों को खिलाया और अभी ही खा रहे हैं बॉयज़ लोग, उसके बाद हम सब लेडीज बैठे। कैसा है खाना, कैसा है? वन टू थ्री मैं निकाल देता हूँ ना सबको। नहीं मेरे पास ही नहीं, आप बैठ के खाइए। मनोज भाई का है, खाइए। चलो वो बॉल दे रहे हैं मुझे, वो आएगा ना। सुल्ताना निकालेगी, निकाल के लाता हूँ। सो मैंने खाने के बाद कुछ भी शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे थे। सॉन्ग्स वगैरह बहुत ज़्यादा प्ले हो रहा था, तो कॉपीराइट के इश्यूज़ हो सकते थे। अभी भी पता नहीं, वीडियो में कहीं ना कहीं कॉपीराइट निकल भी सकता है और नहीं भी निकल सकता है, बिकॉज़ वो क्राउड के बीच में आवाज़ें आ रही थी।
तो मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया डांस वगैरह का, क्योंकि सारे लोग एक साथ डांस कर रहे थे तो मैं इतना शूट नहीं कर पाई। इसलिए आप लोग इसके बाद जो देखने वाले हो, तो फिर हम लोगों ने सारी क्लीनिंग करके जितना भी हम लोग ने लिविंग रूम में से हम लोग ने जितने भी सामान हटाए थे वो सारे हम लोग ने जगह पर वापस रख दिए। कंटिन्यू हम लोग ने 1:45 बजे तक के लास्ट पूरा क्लीनिंग ही किया। सो फाइनली गाइज, यहाँ पर मतलब के पूरा जो बर्थडे का सेलिब्रेशन था वो पूरा फिनिश हो चुका। और देखो मतलब साफ़ सफाई चल रही है, आपने यहाँ पर पोछा मार दी है, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं और सभी लोग मतलब अपने अपने घर पे जा चुके हैं। हाँ, बहुत हालत ख़राब हो चुकी है। हाँ, और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो चुका है। यहाँ पर जो आप लोगों ने देखा था पूरा मतलब जो डेकोरेशन किए थे ये बिल्कुल भी हम लोग ने मतलब सब निकाल दिए। इसके बाद जो आप लोग क्लिप देखने वाले वो है नेक्स्ट डे का, जो कि दिलीप की ट्यूशन में बर्थडे सोहेल का सेलिब्रेट किया गया है। और जो ट्यूशन के बच्चे थे उन्होंने कंट्रीब्यूट किया था, इसलिए उन लोगों को पार्टी देनी भी बहुत ज़रूरी थी और 1 जन को ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो पाया था। इसीलिए नेक्स्ट डे दिलीप की ट्यूशन में बर्थडे सेलिब्रेट हुआ, साथ ही साथ न्यू ईयर का केक भी कट किया गया। जो ट्यूशन की वीडियो है वो आप लोग देख लीजिए। अरे पहले फोटो ले लेते ना। नहीं नहीं स्टार्ट कर। ओके गाइस, तो यही था पूरा व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग ने इन्जॉय किया है तो ज़रूर से वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब कर दिया है तो नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना। अदरवाइज हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। और जितने भी लोगों ने विशेस किया है और अभी कमेंट सेक्शन में भी जो लोग करने वाले हैं उसके लिए भी थैंक यू सो मच। इंस्टाग्राम पर मुझे बहुत सारी विशेज़ आई अपने भाई के लिए, तो सबको थैंक यू, दिल से थैंक यू एंड कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग गाइज। अब मैं आप लोगों से मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।